मांग संख्या 52 और 53 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ राजसमंद विधानसभा, मेरे इधर 48 पंचायत हैं और हर पंचायत किसी की जनसंख्या 5,000-10,000 से भी ज्यादा है और किसी पंचायत की जनसंख्या 3,000 या 4,000 है। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक सुझाव रखना चाहूंगी कि जैसे नगर में हम लोगों ने जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की व्यवस्था करी है, वैसे ही अगर गाँव में हम इस तरह की व्यवस्था करें कि जो ग्राम, जो पंचायत 5,000 की जनसंख्या से ज्यादा है, वहां पर अगर हम ग्राम परिषदों का निर्माण करें और वहां पर एक अधिकारी नियुक्त करें, तो वहां के विकास को थोड़ी गति मिलेगी और कहीं ना कहीं वहां पे जो एसएफसी और एफएफसी की किश्तें कम पड़ती है, वो भी उन लोगों को अच्छे रूप में मिल सकेगा और उन गांवों की स्पेशली बहुत अच्छे से विकास हो सकेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात और रखना चाहूंगी कि जब भी मैं बहुत मेरा अनुभव यहाँ पर बैठे हुए जितने भी विधायक गण हैं उससे सबसे ज्यादा कम है, लेकिन जो छोटा सा अनुभव है पिछले 2 साल में, आई थिंक कोरोना की वजह से शादियां बिल्कुल भी नहीं हुई थी और इन 2 सालों में इतनी सारे आयोजन हुए हैं और जब भी गांव में हम जाते हैं तो एक ही डिमांड होती है कि हमारे यहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं है, हमें सामुदायिक भवन दीजिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि पहले कोरोना से पहले स्कूल्स में अगर कोई गांव में बारात आती है या कोई बच्ची की शादी के लिए बारात लेकर आता है तो स्कूल्स अलाउ कर देते थे, वो कमरे दे देते थे वहां पर बारातों को रोकने के लिए। अब ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती और जिसकी वजह से गाँव वासियों को सबसे बड़ी परेशानी आती है कि हम शादी अगर करते हैं हमारी बच्चियों की तो बच्चियों की शादी भी ढंग से इसलिए अच्छा बड़ा गाँव देखकर होते हैं कि अच्छा वहां पर दूसरी व्यवस्था होगी या नहीं होगी। तो आपके द्वारा मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मांग करती हूँ कि सभी ग्राम पंचायतों में आप एक सामुदायिक भवन, एक कम्युनिटी सेंटर ऐसा बनाएं जहां पर मिनिमम 10 कमरों की रहने की व्यवस्था हो, अच्छे बड़े हॉल हो ताकि कोई भी छोटा मोटा बड़ा आयोजन हो गांव का तो वहां पर अच्छे से हो सके। उसके अलावा 1,000 से अधिक संख्या वाले गांव में या जिस गांव में 1,000 से अधिक संख्या है, 1,000 की संख्या को अगर हम ले तो वहां पर ज्यादा सामुदायिक भवन बनाने का हमें भी वो उसमें इजिली हम लोग उसमें अनुशंसा कर सके, क्योंकि आप जब हम सामुदायिक भवन के लिए अनुशंसा करते हैं तो ये कह के मना कर दिया जाता है कि गांव में एक सामुदायिक भवन ऑलरेडी है तो वहां पर नहीं होना चाहिए। विषय यह है कि अलग अलग समाजों के अलग अलग सामुदायिक भवन होते हैं क्योंकि उनकी अलग रीति नीति होती है, अलग तरीके से वे अपने कोई भी कार्यक्रम हो, भले शादी समारोह हो या मौत मरकत का हो, लेकिन वो अलग से करना उसको प्रेफर करते हैं। तो हमें एमएलए लैड, एमपी लैड में ये अनुशंसा मिले कि हम ये अनुशंसाएं उन लोगों के जारी कर सकें ताकि हम उनको कहीं ना कहीं गाँव वालों को हेल्प कर सकें। सभापति महोदय, एक्चुअली बात ये कि इतने वर्ष बीत गए आज़ादी को और आज भी हम मूलभूत सुविधाओं के बारे में इधर चर्चा कर रहे हैं, भले वो पानी, बिजली हो या सड़क हो, लेकिन अगर अब इन समस्याओं पे हमने कुछ सीरियस डिस्कशंस नहीं हुए तो पलायन की जो समस्या है वो इतनी बड़ी समस्या है जो हम सब उसमें जितने भी यहाँ पे विधायक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनको ये समस्याओं का बहुत बड़ा आगे उनके सामने खड़ी है समस्या। सभापति महोदय, जब हम विधायक विकास निधि से कोई भी अनुशंसा करते हैं तो अनुशंसा में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि कितने गांव में जहां पे ग्राम सेवक या पंचायत सरपंच किसी एक पार्टी को बिलोंग करते हैं और किसी एक पार्टी को बिलोंग नहीं करते तो गांव के विकास को रोकने का अधिकार रखते हैं। इसमें भी कोई डिस्कशन होने चाहिए क्योंकि एक पंचायत है मेरे विधानसभा क्षेत्र में कानादेव का गुड़ा, जहां पर मैं आज तक एक सामुदायिक भवन तक या कोई लाइब्रेरी या कोई काम नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जितनी बार मैं काम देती हूँ ग्राम सेवक से ये लिखकर आ जाता है कि मौके पर जमीन ही नहीं है, जबकि जमीन बहुत है। तो इसमें भी कोई अच्छे कड़क नियम बने ताकि विधायक अपने विकास निधि का जो रुपया है वो अच्छे से दे सके। धार्मिक स्थल, जितने भी धार्मिक स्थल हैं गांव में, वहां पर चबूतरे, सामुदायिक सभागार या धर्मशाला निर्माण करने का ग्रामवासियों का बार बार आग्रह रहता है। मैं मंत्री महोदय से ये निवेदन करूंगी कि वे जरूर से इस तरफ भी ध्यान दें और ऐसी कोई नीति निकाले ताकि धर्मशालाएं थोड़ी सी गांव में बन सके, लोगों के विकास, लोगों
लोगों की सुविधाओं के लिए। माननीय सभापति महोदय, जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने गांव में शहरों के समान सुविधाएं देने की और ये वादा किया था कि वे जरूर करेंगे चार वर्षों में। सभापति महोदय एक मिनट और बोलूंगी, बस दो मांगे वो रखना है मुझे। सौर ऊर्जा की मेरे से पहले भी विधायकों ने बात कही कि सौर ऊर्जा की लाइट्स हो या पानी की टंकी पे सोलर पैनल हो, वो हमें अलाउड नहीं होते। तो या तो आप हमारे एमएलए लैंड में उसको चेंज करके या गाँव में दे ताकि बीएसआर रेट आज तक नहीं बनी है, वो सौर ऊर्जा हम नहीं दे सकते। सभापति महोदय दो मांगे रखनी है प्लीज, बहुत जरूरी है, इसलिए आप मुझे 20 सेकंड बोलने का और मौका दें। केलवा में, केलवा एक बहुत बड़ी पंचायत है मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वहां पे उप तहसील की मैं मांग रखना चाहती हूँ। आत्मा तलाई पड़ासरी बामन टुकड़ा केलवा करेड़ा धायला पसुन बोरज तासोल खटामला में पटवार भवन है और करीबन 1 लाख से ज्यादा संख्या के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो आपको इन सब जनता को लाभान्वित होगा अगर आप हमें उप तहसील की घोषणा करते हैं। गिलून के अंदर पुलिस थाना एवं आईटीआई कॉलेज की भी मैं मांग रखना चाहूंगी आपके माध्यम से। सभापति महोदय एक विशेष छोटी सी बात करके अपनी बात रखूंगी, जितनी पंचायत है वहां पे कचरा उठाने के लिए वैंस हमें अलाउड नहीं है देने का। वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे शहरों में तो कचरा आकर वैंस उठा लेती है, लेकिन गाँव में जो कचरे को उठाना होता है तो हर बार की ये समस्या होती है। तो एमएलए लैंड में हमें ये भी अनुशंसा है, तो आप लोग दें हर पंचायत पर एक एक कचरा वैन या फिर हमें अलाउ करें ताकि हम उनको दे सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।